नमस्कार दोस्तों, इन फोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो सामान्य अध्ययन का यानी जनरल स्टडीज का जो विषय है, वो वास्तव में उसका सिलेबस इतना ज्यादा जनरल या इतना ज्यादा वास्ट या वृहद है कि अक्सर हम लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि हम लोग इस टॉपिक में क्या हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या गौण रूप से महत्वपूर्ण है, या फिर क्या चीजें हमें प्राथमिक तौर पर करनी चाहिए, किस पर हम लोगों को बार बार रिवाइज करना चाहिए उसे, क्या चीज थोड़ा वो छोड़ भी दे तो भी चलेगा। अक्सर हम लोगों के सामने यह समस्या आती है और इस लिहाज से अगर देखें तो इस समस्या के समाधान के लिए एक सर्वाधिक कारगर रणनीति अगर कोई हो सकती है तो वो होती है प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना। उससे हम लोगों को ना केवल एक यस बात समझ में आती है कि प्रश्न की डिमांड क्या है या जो आयोग जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसकी क्या डिमांड है, बल्कि साथ में यह भी समझ में आता है कि हम लोग जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रही है कि नहीं, और हम लोग कितनी गहराई में है या कितने पानी में है। तो इसी लिहाज से हम लोगों ने जो अपना एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें हम लोग जो 1-2-3 आयोग नहीं बल्कि लगभग 10-12 आयोगों के सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो उनके रिपीटिशंस वालों को हटा करके अन्य सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, इन सभी को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग ने शुरुआत की है वो की है मॉडर्न हिस्ट्री की। ऑलरेडी हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप लोगों को इससे रिलेटेड 2-3 वीडियो पहले भी डाले जा चुके हैं जो कि आप लोगों को मिल जाएंगे। आज के इस सेशन में हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देखते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया। अब देखिए, ये एक प्रश्न पूछा गया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया। अब देखिए, वास्तव में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के जो गवर्नर जनरल ने, ऐसा कोई भी अधिवेशन नहीं है जिसमें भारत के गवर्नर जनरल ने अपने गवर्नर जनरल के काल में उन्होंने भाग लिया हो। ये जरूर था कि एक गवर्नर जनरल ऐसे हुए जो बाद में जाके, उन्होंने भाग एक समय पे लिया कांग्रेस में पर बाद में जाके वो गवर्नर जनरल या वायसराय ऑफ इंडिया जो है वो बन गए थे। तो अब इसमें ऐसे कौन थे, तो देखिए एक लॉर्ड विलिंगटन जो नाम आता है बंबई में 1915 में, ये दरअसल 1915 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके ये उसमें जो है ये शामिल हुए थे बंबई के गवर्नर के रूप में। उस समय ये केवल बंबई के गवर्नर थे, परंतु आगे चल के ये 1931 से लेके 1936 तक, यानी आपके इरविन जो है, लॉर्ड इरविन, आप लोग जानते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण हुआ, या फिर गोलमेज सम्मेलन हुआ, वो पहला वाला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, ये सभी लॉर्ड इरविन के समय में हुए। परंतु उसके बाद लॉर्ड इरविन जब 1931 में यहां से विदा हुए तो उसके बाद लॉर्ड विलिंगटन आए। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936 तक रहे, जिनके समय में दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण भी इनके समय में हुआ, पूना पैक्ट हुआ इनके समय में, सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड भी इन्हीं के समय की देन है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो 1935 में जो हमारा भारत शासन अधिनियम, जिसके लगभग 2/3 प्रोविजंस जो है वो हमारे भारतीय संविधान में हूबहू स्वीकार कर लिए गए, वह भी इन्हीं के समय की देन है, लॉर्ड विलिंगटन के समय की। तो लॉर्ड विलिंगटन जब बंबई के गवर्नर थे 1915 में, तब ये कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। यही हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, किस अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया, तो ये लॉर्ड विलिंगटन इसका बिल्कुल सही आंसर है। लॉर्ड विलिंगटन जो है वो उसमें आप देखेंगे 1915 वाला जो अधिवेशन था उसमें अगर पूछा जाए कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए ऐसे प्रश्न आप जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उन सभी के आप लोगों को अध्यक्ष याद करने की जरूरत नहीं होती। कई बार लोगों का इस तरह का भी प्रश्न आता है कि क्या सभी के अध्यक्ष को याद करने की जरूरत है, तो उसमें मैं यही कहूंगा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और जो महत्वपूर्ण है वो आप लोगों को यहाँ पे करा ही दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा पहले का खा, यानी लॉर्ड विलिंगटन बंबई 1915, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, एक सेकंड जरा रुकिएगा, चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो ये हमारा है दूसरा प्रश्न, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। तो अब देखिए, महात्मा गांधी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो पहली बात, ये प्रश्न हमने आपको पिछली बार जब हम लोग ये सेशन ले रहे थे उस समय में भी हमने आपसे पूछा था कि 1924 में कौन अध्यक्ष बना,
तो कई लोगों का उसमें रिप्लाई भी आया था। दरअसल 1924 में महात्मा गांधी ही अध्यक्ष बने थे। जब भी कोई महत्वपूर्ण नेता यानी देश का जो सबसे बड़ा नेता कद्दावर नेता अध्यक्ष बना था तो वो अधिवेशन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहां पर देखिए 1925 में कौन बना, लास्ट क्लास में हम लोग ने किया था कि सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में 1925 में बनी थी। 1923 में अगर बात करें तो 1923 में देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1923 में बेसिकली दो अधिवेशन हुए थे, तो उसमें जो एक विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रेसिडेंट बनाए गए थे, जो कि उस समय सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट थे। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत में सबसे कम उम्र का प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस का, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसको भी आप लोग साथ में लिख लीजिएगा, 1923 में जो बने थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इसके बाद देखिए तो 1925 में आपको पता ही है सरोजनी नायडू थी। 1924 वाला जो है यही इसका राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी बने 1924 में। और ये हुआ कहां पे था, तो ये बेलगांव कर्नाटक में, ठीक है, बेलगांव जो है कर्नाटक में है, तो बेलगांव कर्नाटक में ये अधिवेशन हुआ था। 1922 में आपको पता है कि सी आर दास ये बने थे, सी आर इंग्लिश वाला है, हिंदी वाला सी आर ना कर दीजिएगा। तो चलिए जो सी आर दास है ये यानी चित्तरंजन दास, ये 1922 में अध्यक्ष बने थे। असहयोग आंदोलन समय में ये जेल गए और जब जेल से छूटे तब ये अध्यक्ष बने थे। तो यानी कि सेकंड प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले में हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एक बड़ा अच्छा प्रश्न आ रहा है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। आपको पता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो 1938 में सुभाष बाबू कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1938 का अधिवेशन कहां हुआ था, तो हरिपुरा। हरिपुरा कहां है, तो गुजरात में। गुजरात के हरिपुरा में 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 1939 में उनका पुनर्निर्वाचन होता है, जब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है। चुनाव वैसे तो हर साल ये चुनाव नहीं होते थे, पर यहां पर 1939 में जब ये चुनाव हुए तो उस समय में देखिए गांधी जी ने अपना एक नेता प्रस्तावित किया। पहले वो किसी दूसरे को बनाना चाहते थे, मौलाना आजाद को बनाना चाहते थे, परंतु जब वे तैयार नहीं हुए तो फिर गांधी जी ने एक बड़े ही लो प्रोफाइल नेता जो उस समय बहुत ज्यादा चर्चित नहीं हुआ करते थे, पट्टाभि सीतारमैया, उनको उन्होंने जो है सुभाष चंद्र बोस के ऑपोजिट खड़ा किया अपने चुनाव में। और उसमें देखते हैं तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को लगभग 1580 मत मिले और वही पट्टाभि सीतारमैया को आश्चर्यजनक रूप से उनको 1377 मत मिले। हालांकि वो हार गए और काफी मतों के अंतर से हारे, परंतु अब इस जब इनकी हार हुई तो उसको जो है गांधी जी ने ये कहा कि ये मेरी हार है, यानी इन पट्टाभि सीतारमैया की हार को उन्होंने अपनी निजी हार बताया, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा तनाव का माहौल देश में क्रिएट हो गया। और जो कांग्रेस की कार्य समिति थी उनका ये फिर सुभाष चंद्र बोस के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भाई जो भी एक कार्य समिति बनाई जाए यानी जो मंत्रिमंडल का जो गठन किया जाए सुभाष बाबू करें, वो गांधी जी के सहमति के हिसाब से करें, जो बात सुभाष चंद्र बोस को नागवार गुजरी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये छोटी सी बात है, मतलब छोटी सी तो नहीं लेकिन इतनी भी बड़ी बात नहीं है जिसको आजकल इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा बोला जाता है कि सुभाष चंद्र बोस वर्सेस महात्मा गांधी या फिर अंबेडकर वर्सेस महात्मा गांधी या फिर नेहरू वर्सेस पटेल। ये वास्तव में ये सभी लोग महापुरुष के रूप में है और इन सभी की अपनी अपनी विचारधाराएं थी जिसमें थोड़ी बहुत टकराव होना या मतभेद होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जो कि किसी भी एक परिपक्व जनमानस परिपक्व बुद्धि वाले व्यक्ति से यह अपेक्षित होता है कि उनमें थोड़ा बहुत टकराव हो सकता है, वो एक सामान्य सी बात है। और लेकिन उसको इतना ज्यादा आज के समय बढ़ा चढ़ा पेश किया जाता है जैसे लगता है कि एक दूसरे के लोग विरुद्ध थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। आगे चल के सुभाष चंद्र बोस ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा देते हैं 1942 में। चलिए अभी देखते हैं कि इस प्रश्न का अगर आंसर पूछा जाए कि अध्यक्ष पद से जब सुभाष चंद्र इसी पूरे ये जो संकट था ये जो जितना ये सब जो मैंने कहानी बताई कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों दिया सुभाष चंद्र बोस ने, वो उसी को कहा जाता है त्रिपुरी संकट। ठीक है, त्रिपुरी संकट। ये त्रिपुरी जो है ये दरअसल एक आपका गांव है जबलपुर के पास में, जो मध्य प्रदेश में जबलपुर है,
और उस समय मध्य प्रांत बोला जाता था मध्य प्रदेश को, तो मध्य प्रांत का जो जबलपुर एरिया था उसके पास में एक विलेज है त्रिपुरी, इसीलिए इसी नाम से यहीं पे ये कांग्रेस होनी थी 1939 वाली, और त्रिपुरी कांग्रेस में दरअसल ये सब क्राइसिस हो गई, इस वजह से इसको त्रिपुरी क्राइसिस या त्रिपुरी संकट के भी नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल जब इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो यह अध्यक्ष पद का प्रस्ताव किसे दिया गया, प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो ये प्रस्ताव दरअसल दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है यहां पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का, कि यानी जब बोस बाबू ने इस्तीफा दिया तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता का अध्यक्ष पद का दायित्व निर्वहन किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, हाँ ठीक है, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? अभी अभी इस प्रश्न को हम लोगों ने डिस्कस किया और ये उसी का एक रिपीटेशन मात्र है। इसका राइट आंसर आप लोगों को जैसा अभी बताया गया था कि बेलगांव या कर्नाटक में, बेलगांव कर्नाटक में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का सी। अगला देखते हैं, तो ये देखिए सूची सुमेलित करने के लिए आ गया है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें है क्या, पहला इधर अध्यक्ष दिया हुआ है आपका, इधर दिया हुआ है कांग्रेस की सभाओं के स्थान, अच्छा कहां पर कौन सी कांग्रेस हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये दरअसल हम लोग पूछा जा रहा है। अब अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप लोगों को हो सकता है सारे ना याद हो, पर जो सबसे महत्वपूर्ण है पहले उनको हम लोग ऑप्शन से हटा लेते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सरोजनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में, ये 1924 में जब गांधी जी बने उसके बाद 1925 में सरोजनी नायडू बनती हैं। कानपुर में यह अधिवेशन हुआ था 1925 में, तो बी का थ्री से आप मिलान कर दीजिए, तो बी का आपने मिलान कर दिया थ्री से। चलिए उसके बाद देखिए अगला हम लोग को कौन सा पता है, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू दरअसल 1919 में ये हमारे अमृतसर अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे, तो सी का जो वन वाला हो जाता है ये हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, एक तो अमृतसर 1919 में बने, उसके साथ ही 1928 में भी मोतीलाल नेहरू ही अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद का जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के 1923 में, लेकिन उसके साथ ही साथ इन्होंने ये रामगढ़ 1940 में जब ये अध्यक्ष बनते हैं तो उसके बाद लगभग 5-6 साल तक कोई कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता है, जिस वजह से ये 6 साल तक लगातार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के पूर्व सबसे लंबे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष कौन बना था, तो अबुल कलाम आजाद बने थे। अगर पूछा जाता है कि लगातार 6 वर्षों तक कौन अध्यक्ष बना था, तो अबुल कलाम आजाद बने थे। अब पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कौन अध्यक्ष था, तो अबुल कलाम आजाद थे। प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन था बिफोर, मतलब ये आजादी के पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, तो वह भी अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एक ही दो तथ्यों को जानने से आपके कई सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। देखिए अब इसमें ए बी सी हम लोग को पता चल गया, डी वाला जो ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद दरअसल 1934 में बंबई अधिवेशन में भी अध्यक्ष बने थे। तो राजेंद्र प्रसाद जो है एक तो बंबई अधिवेशन 1934 में अध्यक्ष बने थे, और दूसरा आपका 1939 में जब त्रिपुरी संकट हुआ, जब सुभाष बाबू ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अध्यक्ष बने। तो चलिए इसका आपका राइट आंसर इसी हिसाब से मिलाने पे जो भी हो जाएगा वो आप टिक कर देंगे। उसके बाद देखेंगे अगला जो है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की। अब देखिए 1932 में हरिजन सेवक संघ, अब देखिए आप लोग जो मुखर्जी नगर वाला एरिया है, कई लोग मुखर्जी नगर में रहकर तैयारी करते हैं, मुखर्जी नगर से ही लगा हुआ एरिया है किंग्सवे कैंप, एक बड़ा चौराहा है, बल्कि दोनों का मेट्रो जो है वो भी एक ही है जीटीबी नगर वाला, तो वहीं पर ये अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ है, हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना जाता है जिसे, तो वहां पर उसकी स्थापना दरअसल महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने 1932 में जब इसे स्थापित किया तब इसका नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ, तो यानी अस्पृश्यता निवारण संघ के रूप में उन्होंने 1932 में इसकी स्थापना की, जिसे 1933 में यानी लगभग एक साल बाद इसे नाम दिया गया अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन जो आपका दिया बीजी गोखले यानी बाल गंगाधर
सॉरी ये बीजी गोखले तो नहीं इसका राइट, ये बहरहाल ये अगर गोखले भी हैं या बाल गंगाधर तिलक भी हैं, बीजी तिलक होता है या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले, तो ये अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन होता है तो ये दोनों ही लोग इस समय मौजूद नहीं थे, यानी इनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं करेक्ट है। एम के गांधी इज द राइट आंसर, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर जो है वह भी रॉन्ग आंसर होगा। अब चूंकि हरिजन सेवक संघ से रिलेटेड है, हरिजनोद्धार के लिए सर्वाधिक प्रयास बी आर अम्बेडकर ने किए, तो आमतौर पर आप लोगों को ये डाउट हो सकता है कि बी आर अम्बेडकर कैन बी द राइट आंसर, बट इट्स नॉट एक्चुअली, इट्स महात्मा गांधी, जिन्होंने हरिजन नाम का एक अखबार भी चलाया, पत्रिका भी चलाई, उसके साथ ही इन्होंने हरिजन वर्ड भी अगर किसी ने दिया तो वो इन्होंने ही दिया। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि हरिजन शब्द किसने दिया, तो यह भी महात्मा गांधी ने दिया, ठीक है। तो यानी कि इसका जो छठवें का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, महात्मा गांधी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी। अच्छा, अब ये देखिए, ये थोड़ा सा ऐसा टिपिकल नाम है जो हम लोग को लगता है कि ये प्रश्न क्यों आ गया, तो इसमें दरअसल हम लोग ऑप्शन से ही इसका आंसर खोजने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, लखनऊ अधिवेशन 1916, लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया गया था, लखनऊ अधिवेशन जो है वो कई कारणों से महत्वपूर्ण रहा, चाहे वो कांग्रेस और लीग के मध्य समझौता हो या फिर वो उदारवादी और उग्रवादियों के मध्य समझौता होने के बाद जो उग्रवादियों का पुनः प्रवेश कांग्रेस में हुआ हो, चाहे वो हो, या फिर आप देखेंगे 1916 में ही होम रूल लीग का भी काफी प्रभाव वो कांग्रेस में पड़ने लगा था, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से देखेंगे तो लखनऊ अधिवेशन 1916 कई कारणों से महत्वपूर्ण था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार, वो जो है 1916 में अध्यक्ष थे। तो यानी ये ऑप्शन तो आपका खत्म हो गया, इस ऑप्शन को हम लोग पहले काट दें, ठीक है। उसके बाद देखें तो विजय राघव चेरी, आप देखिए गया अधिवेशन, अभी हम लोग ने बात की कि गया अधिवेशन में कौन थे अध्यक्ष, तो गया अधिवेशन में आपके जो सी आर दास यानी चित्रंजन दास थे वो गया अधिवेशन में अध्यक्ष थे, तो यहां से ये भी ऑप्शन आपका कट गया। अब बचता है 1920 का अधिवेशन, अब देखिए 1920 में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि 1920 में लाला लाजपत राय भी अध्यक्ष थे, ठीक है, और यहां पर यह भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब देखिए दरअसल होता क्या है कि 1920 में दो अधिवेशन होते हैं, एक होता है विशेष अधिवेशन, एक होता है सामान्य अधिवेशन। 1920 में एक विशेष अधिवेशन होता है जो कलकत्ता में होता है, सितंबर में होता है, और जो सामान्य अधिवेशन होता है वो होता है दिसंबर में, यानी जो नियमित रूप से अधिवेशन होते थे अमूमन दिसंबर में ही सारे अधिवेशन होते थे, तो वो जो है दिसंबर 1920 में होता है, वो आपका होता है नागपुर में। जो कलकत्ता अधिवेशन थे उसमें पंजाब केसरी कहे जाने वाले लाला लाजपत राय जी अध्यक्ष बने थे, जो कि लाल बाल पाल के त्रिगुट में से एकमात्र व्यक्ति थे जो कांग्रेस के जो लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय जो है वो 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन थी उसमें बने थे। बिपिन चंद्र पॉल भी अध्यक्ष बने थे, परंतु बाल गंगाधर तिलक को कभी भी अध्यक्ष बनने का मौका नहीं मिला था, ठीक है, ऐसा एक प्रश्न भी हम लोग ने पिछली बार में देखा था। फिलहाल देखें तो जो कलकत्ता अधिवेशन 1920 में लाला लाजपत राय बने थे, लेकिन नागपुर अधिवेशन 1920 में कौन बना था, तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो सी वी आर चेरियार या सी विजय राघव चेरियार ने की थी, और ये जो सी वी आर चेरियार थे इन्हीं के शासन का इन्हीं के समय पर इन्हीं की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ था उसी में दरअसल जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसका प्रस्ताव पारित किया गया था। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो की गई उसका प्रस्ताव जो पारित किया गया वो आपका, अब देखिए आंदोलन की शुरुआत तो आपका 1 अगस्त 1920 से ही हो गई, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु भी हो गई, और उसके बाद जो इसका प्रस्ताव पारित हुआ था वो नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो जो हमारा जो कांग्रेस का संविधान जो नया वाला संविधान लागू होना था जो महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया था उसमें देखेंगे तो वहां पर एक महत्वपूर्ण उपबंध किया गया था कि कांग्रेस की सदस्यता शुल्क को बहुत ज्यादा घटा करके 4 आना केवल सदस्यता शुल्क रखी गई, यानी कि कांग्रेस से एक आम जनमानस को जोड़ने की कोशिश की गई ताकि जो आम जनता है वह भी इससे जुड़ सके और कांग्रेस का जनाधार बढ़ सके, कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में सामान्य जनता भी शामिल हो सके, इसलिए सदस्यता शुल्क बहुत कम की गई। तो इसलिए कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने का काम भी इसी अधिवेशन में दरअसल वो भी प्रस्ताव पारित किया गया।
तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि नागपुर अधिवेशन 1920 में सी विजय राघव चेरियार ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नागपुर अधिवेशन 1920। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया। अब देखिए ये एक प्रश्न आया है, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया, तो इसमें देखते हैं कि जो आपका राष्ट्रगान है वो 1911 में कलकत्ता में जो कांग्रेस हुई थी, कांग्रेस का मतलब कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था 1911 में कलकत्ता में, तभी ये गाया गया था। पहली बार कब गाया गया, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। अब अगर मान लीजिए कि प्रश्न पूछ लिया जाता है, वैसे आपका एक देखिए राष्ट्रीय गान से संबंधित, राष्ट्रीय गान आपका कौन सा है यानी नेशनल एंथम आपका कौन सा है, तो वो है जनगण मन। और अगर राष्ट्रगीत पूछा जाए तो राष्ट्रगीत है आपका वंदे मातरम। ठीक है, तो राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया, तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रीय गीत कब गाया गया, तो राष्ट्रीय गीत भी पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया। तो अब देखिए यहां से दो चीजें निकल के सामने आती हैं, 1896 अगर ये हो जाएगा और कलकत्ता सेम चीज, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय गीत के लिए। लेकिन अब यहां पर एक बार प्रश्न बन चुका है कि राष्ट्रीय गीत जब गाया गया कांग्रेस में पहली बार 1896 में, तो उस समय में अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का, तो अब देखिए उस समय में कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो थे रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इस लिहाज से यहां पर यह भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1911 में अध्यक्ष कौन थे, तो 1911 में अध्यक्ष जो थे वो थे बीएन धर, यानी बिशन नारायण धर बोलते हैं। तो बिशन नारायण धर जो है वो दरअसल आपके 1911 में जो अधिवेशन हुआ जिसमें राष्ट्रगान सबसे पहली बार गाया गया, आगे चल के इसे किंग जॉर्ज फिफ्थ या जॉर्ज पंचम के स्वागत के रूप में भी गाया गया था इसे, तो वो दरअसल बीएन धर के द्वारा अध्यक्षता उसकी की गई थी उस अधिवेशन की। आगे बढ़ते हैं अगला वाला प्रश्न, तो उसमें देखते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के पहले प्रारंभिक चरण को ये कहा जाता है। अब ये देखिए प्रश्न से ही समझ में आ रहा है कि ये किसी मतलब यूपी ट्रिपल एससी शायद उसका भी ये प्रश्न हो सकता है। तो देखिए प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है, अब देखिए आपको पता है कि जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया वो कई चरणों में उसको बांटा जाता है। सबसे पहला जो चरण था वो उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है, जो 1885 से 1905 तक चला। 1885 से 1905 तक के इस चरण को उदारवादी या प्रारंभिक या आरंभिक चरण भी कहा जाता है, प्रथम चरण भी कहा जाता है। जो हमारा द्वितीय चरण था वो 1905 से लेकर 1919 तक चला, जब तक कि गांधी जी का सक्रिय राजनीति में प्रवेश हुआ तब तक वो आंदोलन जो है चला, और उसको द्वितीय चरण या फिर उग्रवादी चरण भी कहते हैं जिसमें उग्रवादियों का ज्यादा प्रभाव रहा। इसी प्रकार से जो 1919 के बाद आजादी तक हम लोग देखते हैं तो वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है, जो हमारा तृतीय अंतिम चरण कहा जाता है स्वतंत्रता आंदोलन का। तो अब देखिए इसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रवाद के पहले प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है, तो पहले प्रारंभिक चरण को अंतिम तो नहीं कहेंगे, आरंभिक ही कहेंगे, मध्यम भी नहीं कहेंगे, संकटपूर्ण भी नहीं कहेंगे, तो आरंभिक चरण इसको कहा जाएगा। संकटपूर्ण फिर भी कह सकते हैं पर ये जो है उपयुक्त नहीं है, सर्वथा उपयुक्त जो आंसर होगा वो होगा आरंभिक। ठीक है।